नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। अब जब कोई डबल इंजन की सरकार वाली बात कहता है तो खुद का माथा पीटने का मन करता है। मोदी सर भारत को 2045 तक पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं। दुनिया भर को शांति सौहार्द की सीख देते हैं। अमेरिका यात्रा के बाद अब वो फ्रांस की यात्रा पर हैं, वहाँ उनका सम्मान हो रहा है, होना भी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इन सबके बीच मोदी सर का एक चर्चित जुमला याद आ जाता है कि पिछले 70 साल में ये नहीं हुआ वाला। जी हाँ, काफ़ी खोजबीन करने के बाद एक बात तो पता चली कि मोदी सर कम से कम इतने शब्द पूरी ईमानदारी से बोलते हैं। पिछले 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सेवन सिस्टर के नाम से मशहूर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से एक मणिपुर 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त से जातीय हिंसा से त्रस्त हो और वहाँ की डबल इंजन वाली सरकार फेल हो चुकी है। थक हार कर सेना तक बुलानी पड़ी। कथित तौर पर सेना और लोकल पुलिस भी आमने सामने हो गई। अब यहाँ जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो ये है कि देश के प्रधानमंत्री को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो वहाँ चले जाएं। अमेरिका से लेकर फ्रांस यात्रा के दौरान मोदी सर मीडिया को देते अपने इंटरव्यू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सौहार्द की तो बात करते हैं, लेकिन खुद के घर में लगी जातीय हिंसा पर उनके श्रीमुख से शांति की अपील वाले 2 शब्द नहीं निकलते। पूरी भाजपा इस पर एक चुप हजार चुप है, जबकि संघ ने शांति की अपील भी की थी। ये नहीं हुआ था पिछले 70 साल में। जिस प्लानिंग के साथ मणिपुर में अरसे से आदिवासी कुकी समाज, जिसमें अब ज़्यादातर ईसाई मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं, और हिंदू बहुल मैतेई समाज में बड़ी चालाकी से एक एजेंडे के तहत पहले दूरी पैदा की गई और फिर उस दूरी को हिंसा में तब्दील कर दिया गया। हमारे उत्तर भारत में चर्चित कहावत है कि आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी। ये कहावत मणिपुर में पूरी तरह से लागू होती है। जिन संगठनों व्यक्तियों ने यह कारनामा किया अब वो किसी अज्ञातवास पर चले गए हैं। यूरोपीय संसद, एमनेस्टी इंडिया या फिर मोदी सर के अमेरिका में प्यार के पिंगों वाली यात्रा के बाद अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी कोलकाता स्थित अपने वाणिज्यिक दूतावास में पीसी के दौरान मणिपुर हिंसा पर चिंता जताएं। यूरोपियन संसद 3 प्रस्ताव पारित करें। दिल्ली से 3 महिलाओं का दल मणिपुर के हालात पर रिपोर्ट बनाए और फिर खुद पर FIR झेले। इस सबसे विश्वगुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह, मोदी सर को पता है कि देश की जनता को कैसे वश में करना है। वह इसके जादूगर हैं। उनके पिटारे में राम मंदिर, UCC, CAA, हिंदू मुसलमान, कांवड़ यात्रा से लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की गारंटी वाला ब्रह्मास्त्र है। भले ही इसी गारंटी के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक पुल का उद्घाटन किया था जो अभी हाल ही में बारिश में बह गया। उनके पास ED है, इनकम टैक्स है, ऐसे में उन्हें काहे की चिंता। पिछले 70 साल में ये भी नहीं हुआ था कि एक साथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसी न किसी मुद्दे पर जूझ रहे हों। और डबल इंजन मजबूत सरकार, सबका साथ सबका विकास का रट्टा लगाने वाली सरकार और उसके सेनापति मोदी सर चुप हों। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आदिवासियों के साथ बदसलूकी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आए भी क्यों नहीं, जब भाजपा और उसकी मात्र संस्था संघ हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद का सपना सजोए हों, तो ऐसे में उनका हक है कि वो आदिवासी शब्द से ही खेल जाएं और उन्हें वनवासी कहने लगें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सवर्णों हिंदुओं को ही भारत का सबसे पुराना अधिकारी जो घोषित करना है। आदिवासी शब्द अपने में ही बता देता है कि वह सबसे पुराने बासिंदे हैं। इसी तरह जब पंजाब में खालिस्तान मुद्दा लगभग दफन हो चुका था, वहां से लेकर कनाडा तक यह मुद्दा फिर ताजा किया जा रहा है। यह भी 70 साल में नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर को लगभग अनासा छोड़ दिया गया है। अब पता नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उन बहादुर देशभक्तों में से कितनों ने वहां जाकर सेब के बागान खरीदे, वहां की खूबसूरत लड़कियों से शादी की जो वह धारा 370 खत्म होने पर खूब शेयर किया करते थे। पिछले 70 साल में ये भी नहीं हुआ था कि दक्षिण के राज्यों पर जबरन हिंदी थोपने पर बवाल हो, महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा इतने बड़े पैमाने पर हो कि मोदी सर सच ही कहते हैं ये
सब पिछले 70 साल में नहीं हुआ था। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय संसद ने मणिपुर हिंसा को लेकर भारत की तीखी आलोचना की है। यूरोपियन संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर हुई बहस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और इसे अंदरूनी मामला बताया है। गुरुवार को यूरोपियन संसद ने वेनेजुएला, किर्गिस्तान और भारत में मानवाधिकार हालात पर 3 प्रस्तावों को स्वीकार किया। भारत के मणिपुर में हिंसा पर प्रस्ताव में कहा गया है कि मणिपुर राज्य सरकार ने इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया है और मीडिया द्वारा रिपोर्टिंग में गंभीर रूप से बाधा पैदा की गई है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मोदी सर सच ही कहते हैं कि पिछले 70 सालों में ये सारे काम नहीं हुए थे। धन्यवाद।